कांग्रेस पार्टी ने शुक्रवार को किसान न्याय यात्रा निकाली। यात्रा के सबसे आगे एक ट्रैक्टर विधायक दिनेश गुर्जर, पूर्व विधायक नीतू सिकरवार, शहर जिला अध्यक्ष दीपक शर्मा, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मधुराज सिंह तोमर सहित अन्य पदाधिकारी मुख्य रूप से सवार थे। यात्रा में लगभग 1000 ट्रैक्टर शामिल होने की बात कही गई थी, लेकिन पुलिस द्वारा मुरैना जिले के सभी विधानसभाओं की सीमाओं पर पुलिस बल लगा दिया गया तथा ट्रैक्टरों को आने से रोक दिया गया, जिससे 1000 ट्रैक्टरों की संख्या अधूरी रह गई। उसके बावजूद भी लगभग 500 ट्रैक्टर यात्रा में मौजूद थे। यात्रा शासकीय गेस्ट हाउस से शुरू हुई तथा पुरानी कलेक्ट्रेट पर जाकर समाप्त हुई। पुरानी कलेक्ट्रेट पर अपर कलेक्टर सीबी प्रसाद ने कांग्रेस पदाधिकारी से ज्ञापन लिया और उनकी बात राज्यपाल तक पहुंचाने की बात कही। इस दौरान यात्रा के प्रभारी सुनील शर्मा पूरे समय यात्रा में मौजूद रहे। वहीं पर ग्वालियर से आए अशोक सिंह उस वक्त यात्रा में पहुंचे जब यात्रा पुरानी कलेक्ट्रेट पर पहुंच चुकी थी। कांग्रेसी नेता जसवीर सिंह गुर्जर भी यात्रा में ग्रुप से मौजूद थे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पे हमारे अध्यक्ष प्रदेश की माननीय जीतू पटवारी जी के निर्देशन में एक किसान न्याय रैली हम सब लोगों ने मिलकर निकाली है। मैं, हमारे कार्यकर्ता, हमारे विधायक, हमारे जिला अध्यक्ष और सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूँ कि इन्होंने और किसान भाइयों को जो इतनी बड़ी मात्रा में यहाँ आज आए हैं अपने हक की लड़ाई लड़ने, उन सबको मैं अपनी ओर से धन्यवाद देता हूँ। ये लड़ाई की शुरुआत है, आगे भी जारी रहेगी। किसानों की लड़ाई कांग्रेस हमेशा लड़ती रही है और आगे भी लड़ती रहेगी। जिस तरह MSP के लिए लगातार हम लोग मांग कर रहे हैं, MSP कानून की हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन उस मांग को लगातार अनदेखा किया जा रहा है। उसकी लड़ाई पूरे देश में अब शुरू की जाएगी। इसके साथ ही हमारे नेता राहुल गांधी जी को बार बार अपमानित करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं द्वारा किया जा रहा है। हमारी मांग है कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनके खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए और उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो उनको घुसने नहीं दिया जाएगा मध्य प्रदेश की सीमा में उनको घुसने नहीं दिया, चाहे वो बिट्टू हो चाहे सिट्टू हो, सब सिट्टी बिट्टी बुला देंगे उनको। कांग्रेस पार्टी की वो किसान न्याय यात्रा थी जिसमें ट्रैक्टर रैली में ये आए थे और इन्होंने ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में कुछ मांगे हैं जैसे अतिवृष्टि में फसल जनहानि, पशु हानि, मकान हानि, फसल हानि, ये सारी चीज़ों के बारे में उनका था। प्लस समर्थन मूल्य के बारे में कुछ मुद्दा है। इसके अतिरिक्त खाद बीज की जो कीमतों के संबंध में कुछ मुद्दे हैं। इन सारे मुद्दे पर उन्होंने ज्ञापन दिया है।